हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज मिथिलेश विश्वकर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर दिया। टोटल 9 सम्स थे, कुछ सब क्वेश्चन भी थे, वो सारे के सारे हमने फिनिश कर दिए। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो इज गिवन बाय टेन थीटा इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो गाइस, अगर मैं इस थ्योरम की बात करूँगा, वन ऑफ द फेवरेट थ्योरम है एचएससी बोर्ड का। एंड सेकंड पॉइंट, इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखना, जब कभी भी आप इस थ्योरम को प्रूफ करोगे तो हमेशा आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट वन, आपके पास सम ऑफ स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट, आपके पास टेन थीटा का फॉर्मूला होना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो आपने इलेवंथ स्टैंडर्ड में टेन थीटा का फॉर्मूला सीखा हुआ है, याद है? टेन थीटा इज इक्वल टू, अगर मान लो दोनों लाइन का स्लोप एम वन एम टू है, तो टेन थीटा बोलो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। तो हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बच्चों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बोलो क्या इक्वेशन आपका बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मान लो कि सबको पता है इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर दो लाइनें हैं, तो मान लो उसके अंदर के एक लाइन का स्लोप है m1 और दूसरे का स्लोप क्या है m2। तो मान लो इस ब्लू लाइन का स्लोप है m1 और इस रेड लाइन का स्लोप क्या ले लो बच्चों, m2, और उसके एंगल का थीटा क्या है बोलो, यहाँ पे उसके एंगल क्या है बोलो, थीटा। अब क्या बोलोगे यहाँ पे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ गिवन लाइन्स। अब निकाल लेते हैं सम ऑफ स्लोप्स। तो बोलो सम ऑफ स्लोप्स का फॉर्मूला क्या होता है, यस, एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू माइनस टू एच डिवाइड बाय बी, एंड एम वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ए डिवाइडेड बाय बी, बराबर। चलो, हमने फर्स्ट बोला था हमारे पास ये होना चाहिए, हमने इसको ले लिया, इसको ला देते हैं ब्रैकेट में। इतना फाइंड करने के बाद हम क्या बोलते हैं, चलो लेट अगेन थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन गिवेन लाइन्स। बच्चों, अगर थीटा एक्यूट एंगल बिटवीन गिवेन लाइन्स, और आपको सबको पता है दोनों लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या दिया, एम वन एम टू, तो उस हिसाब से जो मेरा फॉर्मूला बनेगा इलेवेंथ में आपने जो सीखा हुआ है स्ट्रेट लाइन में, बोलो क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एम वन माइनस एम टू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन इंटू एम टू। परफेक्ट, ये हमारा टेन थीटा का फॉर्मूला है। क्लियर गाइस, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर वन, क्योंकि बाद में इसको यूज़ करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो मेरे जो टेन थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है, वो मुझे क्या प्रूफ करनी है, क्वेश्चन के हिसाब से टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, मतलब मुझे ए और बी की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब बच्चों ध्यान देना सब लोग, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास ये जो आपका एम वन इंटू एम टू है, उसकी वैल्यू मेरे पास है कितनी है बोलो, ए डिवाइड बाय बी। लेकिन व्हाट अबाउट एम वन माइनस एम टू, मुझे यहाँ पे एम वन प्लस एम टू की वैल्यू दी है, लेकिन मेरे पास एम वन माइनस एम टू की वैल्यू नहीं दी है। तो इस एम वन एम टू की वैल्यू मैं फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों m1 वन माइनस एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने टेंथ स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला सीखा होगा, अगर आपको याद है तो, सिंस m1 वन माइनस एम का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, m1 वन प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ m1 वन इंटू एम। वेरी गुड, अब क्या करोगे, जहाँ पे भी m1 वन प्लस एम और m1 वन एम टू वैल्यू पुट करो, और मुझे क्या निकालो, m1 वन माइनस एम का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर आपने कॉपी कर दिया, नो डाउट। उसके बाद बोलो एम वन प्लस एम टू, बच्चों एम वन प्लस एम टू की वैल्यू क्या दी है, यस, माइनस टू एच अपॉन बी, माइनस टू एच अपॉन बी। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या बोल दो, स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स ऑफ एम वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या है बोलो, ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है? जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान देना, एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस टू का स्क्वायर, फोर एच का हो जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई बी का हो जाएगा बच्चों बी स्क्वायर, दिस इज माइनस, दिस इज वॉट, फोर टाइम्स ऑफ ए डिवाइड बाई बी। जब आप इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे तो एम वन माइनस एम टू का होल स्क्वायर कॉपी करोगे, और आप क्या देखोगे कि जो डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर है वो ले लोगे एज एल सी, क्योंकि बी स्क्वायर और बी, राइट ना, देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका बी स्क्वायर है और ये आपका बी है, तो बी स्क्वायर और बी का एल सी एम बोलो क्या होता है, यस, बी स्क्वायर। अगर फिर बी स्क्वायर होने के बाद नॉर्मली जब हम एलसीएम निकालते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं,
जो हमारा ऊपर का डिनोमिनेटर है 4h स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है बी स्क्वायर, उस बी स्क्वायर से अपने एलसीएम मतलब बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, आंसर क्या मिलेगा 1, और जो भी मिलेगा उसको उसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बोलो 4h स्क्वायर ही आने वाला है, ठीक है माइनस। अब जब इस सेकेंड वाले बी को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करूंगा बी स्क्वायर को, तो इस सेकंड वाले बी से जब मैं बी स्क्वायर को डिवाइड करूंगा आंसर क्या मिलेगा बी, और जब बी का मल्टीप्लाई करोगे उसके न्यूमिनेटर में मतलब 4a में, तो बोलो क्या हो जाएगा 4ab। वेरी गुड, देयरफॉर हमने क्या काम किया बच्चों, एम वन माइनस एम टू का हम स्क्वायर कॉपी कर रहे हैं, नो डाउट। अब देखो 4 का स्क्वायर रूट, सॉरी 4h स्क्वायर माइनस 4ab में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 कॉमन है, बोलो क्या मिलेगा एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अभी आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। जब आप स्क्वायर रूट लोगे एस क्यू आर टी, ठीक है, जैसे आप स्क्वायर रूट लोगे बोलो मुझे क्या मिलने वाला है एम वन माइनस एम टू दैट इज इक्वल टू, आप सबको पता है स्क्वायर रूट प्लस माइनस में आता है इसलिए मैं डालता हूँ मॉडुलस, ठीक है। तो बोलो 4 का स्क्वायर रूट 2 आज का हो जाएगा बोलो स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर का, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों बी। ये हो गया मेरा नेक्स्ट वैल्यू दैट इज एम वन माइनस एम टू की वैल्यू, ठीक है। वेरी गुड, आई होप कि आपको अच्छे से समझ गया होगा, क्लियर, वेरी गुड। इतना फाइंड करने के बाद अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट सॉल्व करने वाला हूँ मतलब इक्वेशन वन लेने वाला हूँ, क्योंकि इक्वेशन वन में एम वन माइनस एम टू की वैल्यू चाहिए थी और मैंने वो फाइंड कर दिया, कन्फर्म बच्चों। जैसे एम वन माइनस एम टू की वैल्यू फाइंड की, अब मैं क्या करूँगा बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम लोग क्या लेते हैं इक्वेशन वन, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इक्वेशन वन बिकम्स, तो बोलो इक्वेशन क्या वन हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन वन की वैल्यू क्या आने वाली, ध्यान रहा tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बोलो एम वन माइनस एम टू, एम वन माइनस एम टू की वैल्यू क्या है बोलो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी होल डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम वन इंटू एम टू, बच्चों एम वन इंटू एम टू की वैल्यू क्या दिया है, यस ए डिवाइड बाय बी, ए डिवाइड बाय बी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, वेरी गुड। अब मैं थोड़ा अंदर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा डिनोमिनेटर में, तो टेन थीटा हम कॉपी कर रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी को भी टच नहीं कर रहे हैं, होल डिवाइड बाय बी को भी टच नहीं कर रहे हैं, होल डिवाइड बाय, जब नीचे आओगे तो 1 प्लस ए बी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बोलो क्या मिलेगा बच्चों बी प्लस ए डिवाइडेड बाय बी, तो क्या होगा ये जो आपका बी है, ये बी और ये बी क्या हो गया आपस में कैंसिल, जैसे बी आपस में कैंसिल हुआ तो मुझे क्या मिलने वाला है नेक्स्ट स्टेप में, यस आपने टेन थीटा कॉपी किया हुआ है, ऊपर क्या बच गया बोलो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय, नीचे क्या बचेगा बी प्लस ए, मैं बी प्लस ए बोलूँ या ए प्लस बी लू, दोनों का मीनिंग क्या है सेम, अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, बोलो क्या थी बच्चों, देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी, देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, तो इसको मैं डाल देता हूँ बॉक्स में, ठीक है, वेरी गुड। तो मैं बोलता हूँ देयरफॉर हेंस ठीक है, तो कैसे इस तरीके से इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं, सो आई होप सो कि ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा मैंने एग्जैक्टली कैसे सिखाया, ठीक है बच्चों। अब कंटिन्यू करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, ध्यान देना सब लोग। सो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने क्या प्रूफ किया यहाँ पे, टेन थीटा, बोलो टेन थीटा मैंने क्या प्रूफ किया बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू होती है बोलो क्या मॉडुलस ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। अब ध्यान रहा इस एंगल को यूज करके मैं यहाँ पे दो कंडीशन यूज करने वाला हूँ, फर्स्ट कंडीशन क्या बताने वाले बच्चों कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल या कोइंसाइड्स, मैं पैरेलल बोलूँ या इनको बोलूँ कोइंसाइड्स, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम, ठीक है। मुझे आप बताओ जब कभी भी आपकी लाइन पैरेलल होगी तो आपका एंगल क्या होगा, या तो 0 डिग्री या तो होगा 180 डिग्री, परफेक्ट, क्योंकि जब कभी भी दो लाइन पैरेलल होती है हमेशा दो ही एंगल बनेगा, या तो 0 डिग्री बनेगा या तो 180 डिग्री बनेगा, क्लियर गाइस। चलो मैं 0 मान के चलता हूँ क्योंकि दोनों में से वैल्यू दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर मैं 10 0 लेता हूँ, ध्यान है सब लोग, 10 0 लेता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन करो कि अगर मैं 10 0 लेता हूँ तो सबको पता है 10 0 की वैल्यू क्या होती है 0, मतलब ये जो आपका ये पार्ट सबको दिख रहा है, यस ये पार्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए पूरी 0 आनी चाहिए, अगर ये पूरा 0 आएगा तो किसी भी अगर आप ध्यान दोगे मेरा रैशनल नंबर है समथिंग अपॉन समथिंग है, तो किसी भी रैशनल नंबर का 0 कब होता है डायरेक्टली आप बोल दो व्हेन न्यूमरेटर इक्वल टू 0, मतलब अगर आपके न्यूमरेटर की वैल्यू 0 हो गई, ध्यान सुनो जो बोल रहा हूँ,
अगर आपके न्यूमरेटर मतलब अगर इस बंदे की वैल्यू जीरो हो गई, इसका मतलब ये होता है कि जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो हो जाएगा, बराबर। सो टेन जीरो इक्वल टू जीरो मतलब ये पूरा आपका जीरो लाना है, कौन सा, टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई प्लस बी की वैल्यू जिलानी जीरो, और वो जीरो कब आएगा जब आप डाल दो न्यूमरेटर के प्लेस पे जीरो। इसका मतलब क्या बोलूँगा, टेन जीरो इक्वल टू जीरो आने के लिए मुझे क्या चाहिए बोलो, टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। अभी मैं क्या करता हूँ, टू को भेजता हूँ राइट हैंड साइड में, तो जीरो अपॉइंट टू हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों आपका, एच स्क्वायर माइनस ए बी, क्योंकि जीरो अपॉइंट टू क्या होता है, ये जीरो। अब मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसको स्क्वायरिंग करूँगा तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो। बच्चों यही क्या है आपका कंडीशन, किस लिए कंडीशन है बोलो, यस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल के लिए कंडीशन, ठीक है, सबको समझ गया होगा, वेरी गुड। तो व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और कोइंसाइड्स बोलो कंडीशन क्या होता है बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, याद कर लो आप लोग, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट्स, राइट ना, देन व्हाट, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। सेकेंड कंडीशन क्या लेने वाला हूँ, ध्यान से सुनो सब लोग, जो मैं सेकेंड कंडीशन बोलने वाला हूँ बच्चों, सेकेंड कंडीशन में बोलूंगा कि सेकेंड कंडीशन व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर लाइन आपकी परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, यस 90 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सबको पता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब ये जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ठीक है, सबको दिख रहा होगा वैल्यू, ओके, ये आपको जो वैल्यू दिखाई दे रही है इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, नॉट डिफाइंड। और किसी भी समथिंग अपॉन समथिंग की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है, जब उसके डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए, मतलब अगर टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी को मुझे नॉट डिफाइन करना है तो उसके डिनोमिनेटर में जीरो पुट कर दो। सो डिनोमिनेटर में जीरो पुट करने के लिए क्या करोगे, यस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो बोल दो, समझ गए सब लोग, परफेक्ट। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि डायरेक्टली आप कंडीशन याद रखो, क्या कंडीशन है, इवेंट लाइन्स आर पैरेलल तो बोलो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, एंड इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो क्या बोलोगे बोलो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। होप सो कि आपको अच्छे से समझ गया होगा ये चीज़ कंफर्म। अभी आप ये याद कर लो कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल तो बच्चों क्या बोलोगे, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या बोल दोगे, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों फॉर्मुला आप याद रखो, एंड इसी को आगे करके कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। तो गाइज ये रहा हमारा 4.1 एक्सरसाइज, 4.1 एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया है, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर आपको याद होगा बहुत ईजी क्वेश्चन है, कि अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या, कि व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल और कोइंसिडेंट तो उसे हम लोग कंडीशन में क्या बोलते हैं बोलो, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, गिवेन, बहुत ईजी क्वेश्चन गाइज, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बोलो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कौन है बोलो आपका, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक बात और, कुछ लोग के दिमाग में ये भी बात आई होगी यार परपेंडिकुलर चेक करना, एक काम करते हैं उनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं एंगल फॉर्मूले से, और अगर वो 90 आ गया मतलब सही है। गाइस ध्यान से सुनो मेरी बात, परपेंडिकुलर और कोइंसिडेंट या पैरेलल प्रूफ करने के लिए एंगल निकालने की जरूरत नहीं, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास कंडीशन है, समझे, उस कंडीशन को यूज़ करो। बोलो क्या हो जाएगा आपका, कंपेयर विथ, बोलो किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बोलो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ पे क्या है, थ्री। तो इन शॉर्ट आपके एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट मतलब आपका जो ए की वैल्यू आएगी, बोलो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री। सेकेंड अगर हम बात करेंगे टू एच का, तो बोलो टू एच कहाँ पे है, और यहाँ पे टू एच का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, माइनस फोर। कन्फर्म, तो यहाँ पे जो 2h की वैल्यू है बोलो क्या हो जाएगी, माइनस फोर। हमेशा ऐसे h की वैल्यू निकाल लो, बोलो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू, परफेक्ट। जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन है, b, और यहाँ पे क्या हो बच्चों, माइनस थ्री। कन्फर्म, तो आपके जो b की वैल्यू है बोलो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थ्री। तो आपने क्या निकाला, a निकाल लिया, 2h निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, b की वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालोगे, सिंस a प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू, व्हाट इज a हियर, थ्री, प्लस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस थ्री, तो बोलो क्या हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री, बोलो क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स हमारा ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई, जीरो। जैसे ही आपका ए प्लस बी की वैल्यू जीरो मिली मतलब काम खत्म। आप सबको पता है इस कंडीशन में आपने सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, कि व्हेन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो दैट मीन्स गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर, लिख दो, देयरफोर गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू
ईच अदर, क्यों? क्योंकि ए प्लस बी इक्वल जीरो आ गया, मतलब लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रहा हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। सो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन क्या लिखा है, बोलो शो दैट द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस, वो नाइन है, ध्यान देना जी नहीं वो नाइन है, ठीक है, नाइन वाई स्क्वायर इक्वल जीरो आर कोइंसिडेंट। तो याद रखना बच्चों, कभी भी कोइंसिडेंट बोले या आपको पैरेलल बोले तो हमेशा फिर से वही चीज़ कंडीशन याद रखना है। तो इफ लाइन्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, उसके लिए कंडीशन बोलो क्या है, यस एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन में क्या लेंगे, यस इक्वेशन, तो लिख देते हैं हम लोग गिवेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, बोलो क्या दिया यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन, यस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। उसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, जैसे हमने प्रीवियस सम किया वैसे ही करना है। तो कंपेयर विथ व्हाट, किसके साथ में बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब बहुत ध्यान से देखोगे बच्चों, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे पास, यस वन, टू एक्स की सॉरी टू एच की वैल्यू क्या मिली, जो कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, ऊपर कितना वैल्यू सिक्स है, तो उसके हिसाब से जो मेरा एच की वैल्यू आएगी बोलो क्या हो जाएगी, थ्री। अब हम क्या निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू, बच्चों यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी, नाइन। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम क्या निकालने वाले हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, बच्चों एच एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थ्री, तो हमने लिख दिया थ्री का स्क्वायर माइनस ए, ए की वैल्यू है वन और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नाइन। जब आप सिंप्लीफाई करोगे, थ्री का स्क्वायर नाइन माइनस नाइन वन जा नाइन, जो कि क्या मुझे मिल रहा है, जीरो। मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू भी मुझे क्या मिल गई बच्चों, जीरो। और आपको बताया मैंने क्या, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल जीरो, दैट मीन्स वॉट, लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला है, कोइंसिडेंट, आप लिख दो कोइंसिडेंट। ठीक है, जो क्वेश्चन लिखा है वही लिखना आप लोग, अगर पैरेलल बोला तो पैरेलल, कोइंसिडेंट बोला तो कोइंसिडेंट। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कितना इजी है गाइस, परफेक्ट। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपको कितने मार्क ले देगा, दो मार्क ले देगा। ठीक है, वेरी नाइस। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन फिर से बोल दिया परपेंडिकुलर, मतलब मैं परपेंडिकुलर का ही कंडीशन यूज किया हूं। ध्यान रहा बच्चों, चाहे आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए बोले या परपेंडिकुलर दिया हो, कंडीशन आपको वही यूज करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवेन इक्वेशन अगेन, तो गिवेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, इज, बोलो क्या मुझे मिलेगा इसमें, के एक्स स्क्वायर प्लस फोर टाइम्स ऑफ एक्स वाई राइट माइनस फोर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, कंपेयर विथ, इससे कंपेयर कर रहे हो बोलो, यस ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो बोलो मुझे ए की वैल्यू क्या मिलेगी, यस के मिलेगा, बोलो टू एच, टू एच की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, फोर, एंड बी की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, माइनस फोर, क्योंकि आपको कंपेरिजन करने आ गया होगा राइट। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, ऊपर क्या है के, टू एच का कोएफिशिएंट यहाँ पे सॉरी एक्स वाई का कोएफिशिएंट यहाँ पे टू एच है और ऊपर एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, फोर। यहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट बी है और वहाँ पे वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट माइनस फोर हमने लिख दिया। अब मुझे क्या बोला है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये मुझे दिया गया, प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, तब लिखो सिंस, ठीक है, सिंस गिवेन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जो कि गिवेन दिया है राइट, देयर फोर इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो कंडीशन बोलो क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। वेरी गुड बच्चों, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, के प्लस, कॉपी किया, बोलो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो देयर फोर क्या हो जाएगा आपका, के माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। देयर फोर क्या मिलने वाले बच्चों, के आपने कॉपी किया, माइनस फोर आप भेज दो उस साइड में, राइट हैंड साइड में, अब के की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस फोर। ये बोलो क्या हो गया आपका आंसर, कि के इज इक्वल टू फोर, और मुझे यही फाइंड करना था। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो बच्चों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मुझे क्या दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। मुझे अब निकालना है एक्यूट एंगल। सबको पता है कि जब कभी भी आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना होता है, उसके लिए बोले फॉर्मूला क्या है आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू टू मॉडुलस ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। तो हम उस फॉर्मूले के लिए मुझे क्या चाहिए बोलो, ए चाहिए, एच चाहिए और बी चाहिए, और मुझे कहाँ से मिलेगा, यस इक्वेशन से। तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हैं, ठीक है, तो पेयर ऑफ
स्ट्रेट लाइन इज, बोलो क्या दिया इक्वेशन मुझे, 3x² माइनस 4 रूट 3 एक्स वाई प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर, मुझे एच भी निकालना है मतलब कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, तो कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। बोलो स्टैंडर्ड क्या आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। बच्चे यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से देखो सब लोग, a यहाँ पे x का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलो क्या है 3, तो यहाँ पे बोलो a की वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे, यस 3। जब हम बात करेंगे xy का तो बच्चे यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2h राइट, यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट क्या है बोलो ध्यान से देखो सब लोग, 2h, और यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 4 रूट 3, ठीक है। सो जो मेरा 2h है, 2h की वैल्यू क्या मिल रही मुझे, माइनस 4 टाइम्स ऑफ रूट 3। देयरफॉर अगर आप निकालोगे h की वैल्यू तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा बच्चों माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3, मुझे h मिल गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो बोलो यहाँ पे जो आपका वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, b, और यहाँ पे y के बाजू में क्या होना है, वाई स्क्वायर के बाजू में 3 है, तो लिख दो फटाफट, चलो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3, तो b इज इक्वल टू 3, कन्फर्म, वेरी गुड। इतना होने के बाद आपको स्टेटमेंट देना होगा, क्या देना पड़ेगा बच्चों, देखो लिखोगे लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, बताओ फॉर्मूला पता है ना आपको, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2√ बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करता हूँ, चलो पुट करते हैं हम लोग, तो बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू, मुझे बताओ 2 हमने कॉपी कर दिया यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों एच, एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है बोलो, माइनस 2 रूट 3, तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर है ना, माइनस ए बी, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू भी 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होल डिवाइड बाय ए प्लस बी, राइट, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब चलो सिंप्लीफाई करो इसको, तो बोलो मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2 हमने कॉपी किया, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ध्यान दोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, तो बोलो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 3 होता है, माइनस 3 3 जा 9 होल डिवाइड बाय 3 प्लस 3 क्या होता है 6, 2 3 जा 6 होता है, अब सबको पता है, तो कर दो भाई क्यों टाइम वेस्ट करना उसके लिए, हमारे में हमने टेन थीटा कॉपी किया हुआ है। अब ध्यान देना, 4 3 जा 12 स्क्वायर रूट ऑफ मुझे क्या मिलेगा, 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, वेरी गुड, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा की वैल्यू, यस 12 माइनस 9 इज वॉट रूट 3 हो जाएगा आपका आंसर डिवाइड बाय 3, ठीक है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, मुझे क्या मिलेगा, टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 डिवाइड बाय, मैं 3 को लिख सकता हूँ रूट 3 इंटू रूट 3, सबको पता है कि 3 इज वॉट रूट 3 इंटू रूट 3 होता है, ऐसा क्यों किया बाद में मालूम पड़ जाएगा, एक रूट 3 एक से एक रूट 3 कैंसिल, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट 3, अगर आपको पता होगा याद रखना, बट ऑलरेडी वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों, टेन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 होती है कि नहीं, यस, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 अपॉन रूट 3, जब आप कंपेयर करोगे ध्यान से देखो, जब आप कंपेयर करोगे तो 10 के इक्वल 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, ये जो थीटा है ये थीटा किसके इक्वल बच्चों, पाई बाय 6 के इक्वल, मतलब जो आपका आंसर आने वाला है, मतलब मेरा जो थीटा होगा बोलो क्या होगा बच्चों, पाई बाय 6, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, इसको 6 में थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग इसको और समझेंगे, ठीक है, दिस इज व्हाट पाई बाय 6, पाई बाय 6, ठीक है, इसको मैं डालता हूँ बॉक्स में और ये हो जाएगा मेरा बच्चों आंसर। तो कितना ईजी है एक्यूट एंगल निकालना, वेरी गुड, तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल, क्लियर गाइस, परफेक्ट। अगर हम दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है, मैं सेकंड और थर्ड नहीं कराऊंगा क्योंकि देखो ध्यान दोगे सेकंड क्वेश्चन में भी आपको ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, मतलब ए निकालना निकाल सकते हो, एच निकाल सकते हो, बी निकाल सकते हो, अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये जो लास्ट क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, कई लोग इसको घबरा के देख के घबरा जाते हैं, तो देख के घबराने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि है इजी वो, चलो मैं क्वेश्चन में फोर्थ करता हूँ, ठीक है। गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया बोलो, ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8abxy प्लस बी स्क्वायर माइनस 3a² इंटू वाई स्क्वायर इक्वल 0, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यस गिवेन
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इज, बोलो मेरा स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एट ए बी एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बच्चो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ, देखो सब लोग, तो कंपेयर विथ, अभी ध्यान से सुनना, ऑलरेडी मेरे पास जो इक्वेशन दिया गया है ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर आपको स्मॉल ए स्मॉल बी दिया है, तो जो मेरा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन उसमें भी स्मॉल ए स्मॉल बी होता है, तो ऐसे टाइम पे हमेशा क्या करो, कैपिटल ए कैपिटल बी यूज करो ठीक है। सो कंपेयर विथ व्हाट, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो फटाफट लिखते बच्चों, ए ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बोलो यस ए स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, बोलो कैपिटल टू एच की वैल्यू बोलो क्या होगी, कैपिटल टू एच की वैल्यू एट ए बी, देयरफॉर कैपिटल एच की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू फोर जेड मतलब फोर टाइम्स ऑफ ए बी। उसके बाद हम बात करेंगे कैपिटल बी की वैल्यू, बच्चों कैपिटल बी की वैल्यू क्या मिलने वाली मुझे, बी स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, तो देखा जाए तो हमने ए एच बी निकाल दिया बराबर। इतना होने के बाद हम क्या बोलेंगे, लेट वॉट थीटा बी एन एक्यूट एंगल, बच्चों अगर आपका थीटा एक्यूट एंगल है तो फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, यस टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, राइट वेरी गुड, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू, थोड़ा वैल्यू पुट करनी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा इसके अंदर, टू स्क्वायर रूट ऑफ, बच्चों एच की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच की वैल्यू फोर टाइम्स ऑफ ए बी, फोर ए बी आपने लिख दिया और यहाँ पे स्क्वायर इसलिए स्क्वायर माइनस, ठीक है ये जो माइनस है मैं उसको अच्छे से लिख देता हूँ, होल स्क्वायर के बाद माइनस, देन क्या है हमारा ए इंटू बी, ए बच्चों क्या यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ओके होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, चलो मैंने लिख दिया, अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो भी आपका फाइनल आंसर होगा वही होने वाला है ठीक है। चलो लिख देते हैं हम एक बार नीचे भी, सो हमारा जो टेन थीटा की वैल्यू आने वाली है बच्चों क्या आने वाली है, टू हमने कॉपी किया हुआ है ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ बोलो फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, ए का ए स्क्वायर, बी का बोलो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, मैंने माइनस कॉपी किया अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, बोलो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, सबसे पहले इस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करूँगा फिर थ्री ए स्क्वायर में करूँगा बराबर, उसके बाद जो भी आंसर आएगा, क्लियर बच्चों, उसके बाद जो भी मेरा आंसर आने वाला है उस आंसर को फाइंड करने के बाद मैं इस माइनस थ्री बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक बार बी स्क्वायर में एक बार माइनस थ्री ए स्क्वायर में करूँगा, क्लियर, तो आपको आइडिया मिल गया होगा मैं किस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने किया पहले, उसके बाद प्लस माइनस हमारा लिख दिया माइनस यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट थ्री टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा ए रेस टू फोर, देन माइनस थ्री बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करोगे बोलो क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस थ्री टाइम्स ऑफ बी रेस टू फोर, एंड जब माइनस थ्री बी स्क्वायर का माइनस थ्री ए स्क्वायर के साथ करोगे तो बोलो माइनस माइनस प्लस थ्री थ्री जा नाइन बोलो क्या हो जाएगा बच्चा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, ठीक है बोलो नीचे क्या मिलेगा बच्चों, ए स्क्वायर और माइनस थ्री ए स्क्वायर, ठीक है दैट इज इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, एंड माइनस थ्री बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा आपका माइनस टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, तो मैंने क्या निकाल दिया डिनोमिनेटर की वैल्यू। अब आते हैं हम लोग ऊपर, यहाँ पे देखो सर सब लोग, तो मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ सो दैट कि आपको जरा कन्फ्यूजन आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ध्यान देना, टेन थीटा इज इक्वल टू राइट, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट, अभी जो सिंप्लीफाई करोगे देखो ऊपर मिलेगा टू मॉडुलस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका 16 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आप कॉपी करो जरा अंदर देखो कुछ सिंप्लीफिकेशन से कर लेते हैं ठीक है, माइनस कॉपी किया हमने बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे रखते हैं हम लोग, माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए रेज टू फोर, देखो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए रेज टू फोर है, फिर आपका माइनस थ्री टाइम्स ऑफ बी रेज टू फोर है, तो नाइन ए स्क्वायर बी और ये प्लस ए स्क्वायर बी, बोलो क्या हो जाएगा आपका प्लस टेन टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है होल डिवाइडेड बाय, इसमें से आप बच्चों क्या करो माइनस टू बाहर ले लो, बस अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है हमने काउंट कर लिया।
तो नेक्स्ट स्टेप टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ टू, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो बोलो क्या हो जाएगा, 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 ए रेज टू 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 3 बी रेज टू 4 माइनस प्लस माइनस 10 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर ओके होल डिवाइडेड बाय माइनस टू वेट वेट एक बात और यहाँ पे देखो 2 2 कैंसिल हो गया ठीक है ना, जैसे 2 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे 2 लिखने की जरूरत नहीं है बराबर, तो क्या लिख दो आप माइनस साइन एंड माइनस साइन लिखने के साथ साथ में क्या लिख दो बच्चों आप लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर वेरी गुड। अब ध्यान से देखना सब लोग, टेन थीटा मैं फिर से कॉपी करने जा रहा हूँ इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, देखो बच्चों स्क्वायर रूट में क्या मिलने वाला है बहुत ध्यान से देखना सब लोग, मैं लिखता हूँ थ्री टाइम्स ऑफ ए रेज टू फोर राइट, सिक्सटीन ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बी स्क्वायर बोलो क्या हो जाएगा आपका सिक्स टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड थ्री बी, ये आपका थ्री बी स्क्वायर नहीं है बच्चों थ्री बी रेज टू फोर है ठीक है वेरी गुड, प्लस थ्री टाइम्स ऑफ बी रेज टू फोर ओके चलो इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप माइनस कॉपी करो, बोलो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान देना ऊपर को बहुत ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, टेन थीटा मैं कॉपी कर रहा हूँ स्क्वायर रूट के अंदर को मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो थ्री है थ्री कॉमन ले लिया मैंने और ए रेज टू फोर को मैं लिख देता हूँ बच्चों ए स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है, प्लस देखो थ्री गया बाहर बच्चा टू टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, थ्री गया बाहर बच्चा बी रेज टू फोर, बी रेज टू फोर के रिप्लेस में लिख दो बी स्क्वायर का स्क्वायर ठीक है, ये हमारा हो गया ऊपर का इक्वेशन। नीचे मुझे क्या मिला है बोलो, यस माइनस ऑफ वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से जरा ध्यान देना, अगर किसी को ध्यान दिया होगा आप लोगों ने तो आपको समझ गया होगा अभी क्या करने वाला हूँ मैं ठीक है, तो क्या करने वाला हूँ यस देखो अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, क्या फॉर्मूला बन रहा है बच्चों देखो ये रूट थ्री आप ऐसे ही कॉपी कर लो कोई दिक्कत नहीं हमें, अगर मैं ए स्क्वायर को एक्स बोलूँ और बी स्क्वायर को वाई बोलूँ तो बोलो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर राइट, तो एक्स यहाँ पे बोलो क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जो किसका फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स प्लस वाई, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कौन है बोलो ए स्क्वायर और वाई के प्लेस पे कौन है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होल डिवाइड बाय माइनस ऑफ वॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चलो टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ये हो जाएगा आपका रूट थ्री क्योंकि थ्री का स्क्वायर रूट होता नहीं है, बट जब मैं बात करूँगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की तो बोलो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय बच्चों क्या माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें से आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, फाइनल जो आंसर आने वाला है बोलो क्या आएगा बच्चों टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री क्योंकि मॉड के अंदर माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, अब सबको पता है टेन सिक्सटी मतलब पाई बाई थ्री की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, देयरफॉर आपका थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई थ्री, ये हो गया बच्चों मेरा फाइनल ठीक है परफेक्ट, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो गाइस ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन में फिफ्थ क्या बोला है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन ईच ऑफ विच मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, आपको डायग्राम दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है दोनों लाइन कहाँ से पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है, एंड ओरिजिन से पास होने के साथ साथ ये जो आपका जो रेड लाइन है बच्चों उसका इक्वेशन क्या दिया है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री का, जैसे एंगल बोल दिया मतलब मुझे फॉर्मूला यूज़ करना ही पड़ेगा ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे जरा ध्यान देना सब लोग, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं कि गिवेन इक्वेशन इज, बोलो इक्वेशन क्या है बच्चों हमारा यहाँ पे 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 बराबर, ये मेरा इक्वेशन इसको निकाल लेते हैं स्लोप, चलो ठीक है इसका निकाल लिया मैंने स्लोप, तो स्लोप को दिखाता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं स्लोप जो है इसके स्लोप की जो वैल्यू होगी बोलो क्या होगी बच्चों माइनस ए अपॉन बी दट इज माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, जहाँ पे ए क्या होता है एक्स का कोएफिशिएंट तो माइनस एक्स को यहाँ पे कौन है 3 और वाई कौन है यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 2 तो क्या होगा माइनस 3 अपॉन 2, तो मैंने जो मेरी जो गिवन लाइन थी उसका मैंने स्लोप निकाल लिया बराबर। आगे देखते हैं अब यहाँ पे मैं जो मेरे पास जो ग्रीन लाइन है जो मेरे पास ब्लू लाइन है बच्चों तो उस लाइन को मैं नाम देता हूँ, एक को नाम देता हूँ ओ ए एक का नाम देता हूँ ओ बी ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ लेट स्लोप ऑफ ओ ए और ओ बी बी एम ठीक है, तो उसका मैंने स्लोप क्या ले लिया एम, क्योंकि ध्यान देना बच्चों ये जो ओ ए और ओ बी है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, अगर आपको याद होगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम लोग ऑक्सिलरी फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो दोनों लाइन हमें हमें एम से दिखाते हैं, दैट मीन्स दोनों लाइन के स्लोप को एम से दिखाना था, एम की दो वैल्यू आएगी और कुछ नहीं होगा यहाँ पे ठीक है परफेक्ट, तो हमने क्या ले लिया एम, जैसे मैं स्लोप एम लिया अब ज्यादा ध्यान देना मैं क्या बोलने वाला हूँ, बोलोगे सिंस लाइन ओ ए और ओ बी इज मेकिंग एन
एंगल ऑफ कितना बना रहा है बच्चों, 30 डिग्री विथ किसके साथ बना रहा है बोलो, 3x + 2y - 11 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे मेरे पास जो लाइन दी गई है ठीक है, मेरे पास ये जो इक्वेशन दिया है, ये जो इक्वेशन है ठीक है, ये इक्वेशन के साथ में या इस लाइन के साथ में ये जो ग्रीन वाली लाइन है और ये जो आपकी ब्लू वाली लाइन है, बोलो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर ये लोग 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो हम कोई भी ले लेते हैं OA और OB में से कोई भी लेते हैं। चलो मैंने OA लिया, जो OA है बच्चों ध्यान देना, ये जो लाइन OA है वो रेड लाइन मतलब 3x + 2y - 11 के साथ में 30 डिग्री बना रही है, जिसमें से OA का स्लोप क्या है बोलो यहाँ पे m बराबर। एंड OB की बात करेंगे तो OB का स्लोप यहाँ पे क्या है बच्चों, -3/2। तो दोनों का स्लोप मुझे पता है, अगर दोनों का मुझे स्लोप पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो हम लोग जो एंगल वाला फॉर्मूला वो यूज़ कर लेते हैं ठीक है। तो हमको पता है क्या कि सिंस टेन थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, जो आपने 11th में सिखाया ना, क्योंकि देखो यहाँ पे AHB नहीं है तो AHB वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मतलब ही नहीं। तो जो टेन थीटा का फॉर्मूला आपने 11th में सिखाया वो बोलो क्या होता है आपका, m1 - m2 / 1 + m1 * m2 बराबर चो परफेक्ट। तो मेरा यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो, 30 डिग्री। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 डिग्री इज इक्वल टू m1 मेरा फर्स्ट स्लोप मेरे लाइन का स्लोप, तो स्लोप OA और OB का स्लोप कितना बच्चों, m है, तो मैंने इसको ले दिया m, तो मेरा m1 हो गया। -m2 ले लेता हूँ मैं -3/2 को, क्योंकि आप किसी को भी ले सकते हो एज अ m1 मैंने m ले लिया और m2 को मैंने -3/2 ले लिया, आप चाहिए तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं ठीक है। होल डिवाइड बाय 1 प्लस बोलो m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, सॉरी m1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है m, और इसकी वैल्यू क्या होगी -3/2। कन्फर्म आपने वैल्यू पुट कर दी बच्चों। इतनी वैल्यू पुट करने के बाद अब आप सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 10/30 कितना होता है बोलो आपका 1/√3 दैट इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोलो ये क्या हो जाएगा आपका m + 3/2 होल डिवाइड बाय, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ना, यहाँ पर जाएगा 1 - 3m/2। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1/√3 दैट इज इक्वल टू 2m + 3 होल डिवाइड बाय 2 राइट, एंड होल डिवाइड बाय 2 - 3m होल डिवाइड बाय 2। तो बच्चों आपका ये जो 2 है ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, मुझे क्या मिलेगा बोलो 1/√3 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2m + 3 डिवाइड बाय 2 - 3m, ये मुझे आ गया इतना बराबर। अब मुझे मॉडुलस को हटाने, तो मॉडुलस को हटाने के लिए दो तरीके हैं, तो उसको प्लस माइनस में लिखो या तो डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दो। मैं प्लस माइनस में लिखना मैं प्रीफर नहीं करता, डायरेक्टली मैं स्क्वायरिंग करता हूँ। बच्चों क्या करोगे आप लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे बोलो 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 बोलो ऊपर क्या हो जाएगा आपका, जैसे मॉडुलस का आपने स्क्वायर कर दिया बन जाएगा वो प्लस, मतलब डायरेक्टली आप मॉडुलस हटा दो, ये हो जाएगा आपका 2m² राइट, प्लस ये हो जाएगा a + b² ना, तो 2m² + 2 × 2m * 3 + 3 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय, नीचे बोलो क्या हो जाएगा 2² - 2 × 2 × 3m + 3m² ठीक है परफेक्ट। तो सिंप्लीफाई कर लो 1/√3 दैट इज इक्वल टू 2m² का हो जाएगा 4m² 2 × 2 = 4 4 × 3 = 12m + 3² = 9 डिवाइड बाय 2² = 4 दिस इज -12m 2 × 2 = 4 3 = 12m बराबर, एंड 3² = 9m². चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो इतना होने के बाद, सो गाइस इतना होने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ज्यादा ध्यान देना मैं लिखता हूँ यहाँ पे, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ पे, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो बोलो क्या हो जाएगा 4 - 12m + जब 1 का मल्टीप्लाई 9m² तो 9m² ही आने वाला है दैट इज इक्वल टू, 3 का मल्टीप्लाई करो बोलो 3 × 4 = 12m² 3 × 12 = 36m और 3 × 9 = 27। चलो सब उस साइड भेज दो, राइट हैंड साइड में 0 इज इक्वल टू, तो वहाँ पे बोलो क्या ऑलरेडी 12m² है और हो जाएगा -9m², वहाँ ऑलरेडी 36m है, -12m जाके हो जाएगा +12m, वहाँ पहले ही से 27 है और 4 जाके हो जाएगा -4। तो बोलो आपका 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 12m² - 9m², तो 12 - 9 बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यस। चलो एक साथ में एक काम करता हूँ ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें राइट हैंड साइड लिखता हूँ, जब आप राइट हैंड साइड में लिखोगे तो बोलो मुझे क्या मिलेगा 12m - 9 दैट इज इक्वल टू 3m² ठीक है ना। अब क्या लिख दूँ यहाँ पे 3m², चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3m²
फिर 36 प्लस 12, बच्चों 36 प्लस 12 कितना था आपका 48, तो जाएगा आपका 48 m। फिर 27 माइनस 4 कितना था आपका 23, दैट इज इक्वल टू 0। सबको समझा इतना? वेरी गुड। इतना होने के बाद आप m की वैल्यू पुट करो। बोलो m की वैल्यू क्या होती है? ये आपको सबको पता है, ओरिजिन लाइन कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू mx। अगर y इक्वल टू mx है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? y अपॉन x। बोलो क्या हो जाएगा? 3 times ऑफ, जब मैं m के प्लेस में पुट करूँगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जब यहाँ पुट करूँगा बोलो 48 y अपॉन x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब आप पूरे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। बोलो आपका फाइनल आंसर आने वाला है 3y² प्लस दिस इज 48xy प्लस 23x² इज इक्वल टू 0। ये बोलो क्या हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? सो गाइस, आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो बाकी के दो सम और बाकी हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, सो होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड जो भी आपका फीडबैक गाइस कमेंट के थ्रू आप फीडबैक दे दो। साथ ही साथ जो भी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको भी इन वीडियोज़ की ज़रूरत है उनके साथ में आप शेयर कर दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।